बनाते तो सभी लोग हैं, लेकिन ये थोड़ी मोटर हटके थी तो इसलिए हमने इस पे थोड़ी मेहनत की है, और ये ख़ास आदमी की थी हमारे, तो उनको गिफ्ट दिया था ये फ़ैन किसी ने, तो उनकी यादों में रहे ये, तो इसलिए हमने इस पे मेहनत की है और ये अच्छा चल रहा है। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज ये हमारे पास आया हुआ है बिना कंडेंसर वाला फील्ड वायरिंग वाला ये टेबल फ़ैन है, जो जो जल गया है ये, तो इसका डाटा निकालेंगे और इसको रिवाइंड भी करेंगे, फील्ड रिवाइंडिंग करेंगे हम लोग। ये इसका रूटर है ये, और काफ़ी पुराना मॉडल है ये, तो करते हैं फिर देखते हैं आगे की तैयारी। फील्ड लॉक भी है, ये मेटल के लगे हुए हैं ये, और अच्छे तरीके से ये जल भी गया है, बिना कैपेसिटर वाला है। और ये इसका डाटा भी निकालेंगे और इसको रिवाइंड भी करेंगे, ये पहली बार जला है ये। तो हमने ये फील्ड कॉइल की वायरिंग निकाल ली है, अब इसका डाटा लेंगे, ये चारों कॉइल निकाल ली, और साथ ही में ये कॉपर की प्लेट भी लगी हुई थी इसमें, पत्तियाँ ये इधर पर ऐसे में, तो इसकी सफाई करके रिवाइंडिंग करते हैं डाटा लेकर ये। तो डाटा हमने ले लिया, इसमें 360 टर्न हैं ये, अब गेज नपवाएंगे उसका, ये 360 टर्न है एक फील्ड में ये। और ये काफ़ी पुराना फ़ैन है, बहुत साल पुराना ये, जब ये चमकीली फिल्म पेपर आती थी ये तब का है, और साथ ही में ये पत्तियां हैं। तो इसकी सफाई करके बढ़िया करते हैं वायरिंग, डाटा वगैरह ले ही लिया है ये। और ये बैरिंग लगे हैं इसमें, ये बैरिंग भी चेंज करेंगे ये वाले। तो ये हमने कॉइल बना ली है, 360 टर्न है पर कॉइल में ये, चार कॉइल बनाई हैं, दो दो के सेट बनाए हमने इसमें। और इसके एक चीज़ और दिखाते हैं, ये डायरेक्शन, इनसे ये डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं, तो हम तो यही लगाएंगे साफ़ करके, ये वाली पत्तियाँ ये डायरेक्शन का काम करती है इसमें। और ये बिना कंडेंसर वाली ये मोटर है ये वाली, ये फैन की, हमने इसमें 7 नंबर वो पेपर लगाया है, ये कागज़ का लेजर सीट बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। और फिर हम इसकी अच्छे से मैनेजमेंट करके ये डॉक्टर टेप से इसको अच्छे से पतला करके फिर इंस्टॉल करेंगे इसमें। और पर कॉइल में इसमें 360 टर्न हमने लगाए हैं 28 नंबर से, कॉपर वायर 28 नंबर है इसमें। वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, तो ये हमने एक फील्ड कंप्लीट कर ली इसको बनाकर, और ये डॉक्टर टेप है ये चिपकने वाला, इससे हम इसकी रैपिंग कर रहे हैं ये वाली, और इसकी हम फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो बना देंगे कैसे कवर करते हैं इसके लिए, तो देखें आप आएंगे। और ये बहुत पुराना मॉडल है ये पंखे का ये, और बैरिंग भी बदल रहे हैं इसके, फास्ट फॉरवर्ड में हम कर देते हैं इसको, और जो आगे इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हम उसको गाइड करते जाएंगे। तो ये मैंने पहले बनाई थी, ये अभी बनाई है, फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा मैं इसकी पिछली वीडियो। तो ये
दो हैं और ये दो हम और कंप्लीट कर लें, एक ये कॉइल और एक ये कॉइल। इसको कंप्लीट करने के बाद असेंबलिंग करेंगे, तो हम इनको और कंप्लीट कर लें, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इस कारण से हम एक ही कॉइल को कवर किया है। तो ये हमारी चारों कॉइलें बन चुकी हैं, ये अब इनकी असेंबलिंग करेंगे हम। ये तो ये चारों फील्ड हमने बैठा लिए हैं, वीडियो उसका कैप्चर नहीं हो पाया, कैमरा ऑन नहीं हो पाया था बैठाते समय, बाकी ये आसानी से बैठ गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो हम ये पत्तियाँ लगा के इसको कंप्लीट करते हैं, ये वाली पत्तियाँ लगा कर इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बनाते हैं आगे वीडियो देखते हैं। तो ये पत्तियाँ हमने, तो ये कॉपर की पत्तियाँ हमने बिठा दी और ये लॉक भी कर दिया, इधर से पत्तियाँ बिठा दी हैं, कनेक्शन रह गए हैं, तो कनेक्शन होंगे इनर टू आउटर ऐसे। सीरीज में कनेक्शन होंगे इसके, तो हम ये कनेक्शन करके फटाफट इसको फिर बांधते हैं। अब ज़्यादा भी लंबा वीडियो बना नहीं रहे, जो जो मेन मेन चीज़ है वो हम बता देते हैं। तो ये हमने कनेक्शन कर लिए हैं, अब इसकी सिलाई करके इंसुलेशन करेंगे इसके बाद। तो ये हमने बढ़िया बांध के कंप्लीट कर दी, अब इंसुलेशन करना है इस पर और फिर फिटिंग करेंगे। ये कनेक्शन साइड है, ये वाला ये हमने कनेक्शन निकाल दिए, इंसुलेशन करके फिटिंग करते हैं फिर। तो बढ़िया कनेक्शन कर हमने सीरीज से टेस्ट भी कर लिया था, अब हम इस पर इंसुलेशन करेंगे ताकि ये फील्ड सेट हो जाए अच्छे तरीके से। एक मिनट हम ढक्कन खोल लें इसका, ये तो हम ये हल्का हल्का इस पर वार्निश करेंगे, इंसुलेशन बोलते हैं हमारे यहाँ, कहीं कहीं तो वार्निश बोलते हैं। दो मिनट बाद हम इसको नीचे तक पहुंच जाए, फिर इसके बाद इसको पलट कर पीछे साइड भी कर देंगे, फिर आधा एक घंटे के लिए सूखने को रख देंगे। थोड़ा सा हम दूसरे साइड भी कर दें, इसके बाद हम इसको आधा घंटा के लिए सूखने को रखेंगे, हवा लग जाए, फिर इसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। और बैरिंग भी चेंज करना है इसके, तो ये हमने बैरिंग भी चेंज कर दिए, बैरिंग है HSC 6200 HSC बैरिंग है इसमें, ये दोनों, बस ये थोड़ा सा और ठोकना है, इसको ठोक के फिर फिटिंग करेंगे। तो ये हमने बैरिंग बिठा लिए थी, ये थोड़ी सी जुगाड़ करके इसको इधर पे करके ऐसे प्रेस कर दिया था, ऐसे तो बैठ गए थे आराम से। क्या ये छोटे बैरिंग हो जो हमारे पास जुगाड़ है वो बड़ी बैरिंग के बिठालने के हिसाब से है, और ये आगे साइड का पल्ला है ये, तो हम ये बिठा दें, ये ऐसे बैठेगा, ये हल्का सा प्रेस करने पर बैठ जाएगा अच्छे से बैरिंग। ये हमारा बैरिंग बैठ गया है पूरा, और ये विंटेज फैन है, ये मतलब साइज सिम्फनी का है, अब जॉन साहब ये कंफर्म नहीं, इस पे नाम वगैरह तो नहीं दिख रहा है, और विंटेज है और ख़ास पंखा है किसी
तो उस हिसाब से हमने इस पर मेहनत कर ली है और सोचा कुछ नया दिखाएं आप लोगों के लिए। है तो पुराना, बाकी हमारे लिए नया है। और ये चार पेच लगे थे इसमें, हम पेच ज़्यादा लगाएंगे इसमें अब। और अभी अचानक से हो गई है लाइट बंद, थोड़ी सी समस्या आ रही है फिटिंग बनाने में इसकी। ये इसमें इधर पे होल पर ये नट कसा जाएगा ये ऐसे, और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ये, तो इसका ये होल मैच हो जाएगा तो फिर आराम से कस जाएगा ये। हम कस ले फिर इसके बाद आगे आप लोगों को दिखाएंगे फिटिंग के बाद। तो ये आगे साइड की हाउसिंग कस ली है मैंने ये, अब ये पीछे साइड की सेटिंग मिलाकर ये और कस दें हम, फिर इसकी टेस्टिंग लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग हुई इसकी कंप्लीट, ये बिल्कुल फ्री आ गया है, ये बिल्कुल फ्री रहना चाहिए ये। अब लाइट आ जाए फिर हम इसकी टेस्टिंग करके इसको वापस दे देंगे ये। और ये हमारी फील्ड इधर से दिख ही रही है, 1440 के अप्रोक्स चलती है ये मोटर इसकी है। और रोटर हमारा बिल्कुल फ्री आ गया है, कहीं पे टच भी नहीं हो रहा है ये। तो हमारे यहाँ लाइट आ चुकी है, अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सीरियस से करेंगे ये। हमारी मोटर हो गई कंप्लीट ये, अभी सीरीज पे चल रही है, अब हम मैन पर लगाते हैं इसको। ये हमारा मैन है, ये हमारी मोटर हो गई कंप्लीट बिना नॉइस के। तो ये हमारी इसकी फील्ड वायरिंग हुई कंप्लीट, और पंखी हमारे लिए मिली नहीं इसकी, तो हमने ये देसी जुगाड़ लगा के चेक कर रहे थे इसका, दिखाने के लिए कि इसमें पंख मोटर चल रही है हमारी। तो ये हमारी पंखा की वायरिंग हुई कंप्लीट, फील्ड वायरिंग, और ये करीब हम 5 मिनट से चला रहे हैं इसको, ये अच्छी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, 1440 RPM। और ये दिखाने के लिए हमने टेप लगा दिया था इसमें, कैमरे में सही से समझ में ना आए आप लोगों को। तो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही वीडियो हम और आगे बनाते रहेंगे। बनाते तो सभी लोग हैं, लेकिन ये थोड़ी मोटर हटके थी तो इसलिए हमने इस पर थोड़ी मेहनत की है, और ये ख़ास आदमी की थी हमारे, तो उनको गिफ्ट दिया था ये फ़ैन किसी ने, तो उनकी यादों में रहे ये, तो इसलिए हमने इस पर मेहनत की है। और ये अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अभी ताज़ा इंसुलेशन किया है हमने, तो ये हल्की सी भाप आ रही है इधर पे, कैमरे में ना समझ में आए कि हमने 10 मिनट चलाया इसको, इसके लिए ये मोटर गर्म हुई है हल्की सी।